बच्चों के दूध के दांत इन परमानेंट दांतों द्वारा पुश किए जाने से टूटते हैं, लेकिन कभी भी सोचा है कि आखिर ये सब क्यों और कैसे होता है? बच्चों में दूध के दांत टूटना मतलब इनकी फिजिकल ग्रोथ सही से हो रही है। आपको बता दूं कि लगभग 4 साल की उम्र से ही बच्चों के जबड़े और हड्डियां बढ़ने लगती हैं और इससे जबड़े में स्पेस बनता है, जो कि परमानेंट दांत निकलने के लिए काफी जरूरी होता है। डेंटल एक्सपर्ट्स का मानना है कि लगभग 6 साल की उम्र से बच्चों के जब दूध के दांत गिरना शुरू होते हैं तो इनकी जगह नए परमानेंट दांत उभर कर आते हैं। बच्चों के मसूड़े में जैसे जैसे परमानेंट टीथ की जड़ें ग्रो करना शुरू करती हैं, वैसे वैसे ही परमानेंट दांत इस दूध के दांत को नीचे से इस तरह से पुश करता है। इससे इस दूध के दांत की जड़ें कुछ यूं डिसॉल्व होने लगती हैं। अब इस दूध के दांत की जड़ें कमजोर होने की वजह से ये ऐसे हिलने लगता है। दूध के दांत को लगातार ऊपर की ओर पुश मिलने से ये दांत टूट जाता है। कुछ बच्चों में दूध के दांत काफी बड़े होने पर टूटते हैं और ये सब ट्रॉफिक हार्मोन और पोषक तत्व की कमी की वजह से होता है। कंपैरेटिवली आसान है ना 3D में कॉन्सेप्ट समझना? तो और 3D वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाओ।